महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है और सांप्रदायिक विवाद फैलाती है। बेरोजगार नौकरी नहीं मांगे और सवाल नहीं पूछे, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे उनका ध्यान भटका जा सके। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कही। वे ग्राम मोदी में रामधुन के बाद सीटीवी से खास चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने एडिटर राकेश सोन को उनके हर सवाल का जवाब दिया और कहा कि आज देश में महंगाई बड़ा मुद्दा है। देश प्रदेश की सरकार इस मुद्दे से इतना डर गई है कि उस पर बात ही नहीं करना चाहती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आज नीमच जिले के मोड़ी गांव में रामधुन निकाली। वे पूरे भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का एक बड़ा चेहरा है और आए दिन भाजपा इसी को लेकर उन पर हमले करती रहती है। आइए हम जानते हैं दिग्विजय सिंह जी से कि रामधुन और आज जो ये पदयात्रा निकल रही है उसका मकसद क्या है। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में जन जागरण अभियान चला हुआ है जिसमें हम लोग किसी भी एक गांव में रुकते हैं और अगर संभव हो सके तो किसी गरीब के घर में, दलित या आदिवासी के घर में रुकते हैं और सुबह प्रभात फेरी रामधुन के साथ करते हैं और उसमें सांप्रदायिक सद्भाव के नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, लोगों के हक मारे जा रहे हैं, हर किसी को बंद कर दिया जा रहा है, सांप्रदायिक कट्टरता फैलाई जा रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, इन सब के खिलाफ और मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चला हुआ है उसके खिलाफ और बिजली की जो समस्या है, बिजली के दर जो बढ़ते चले जा रहे हैं, किसान की बिजली के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, दर बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे किसान ने 5 हॉर्स पावर की मोटर लगाई हो लेकिन 6.5 और 7.5 का बिल लिया जा रहा है। इन्होंने कहा था कोविड में हम लोग बिजली के बिल माफ़ करेंगे लेकिन 1 किलोवाट का ही किया जा रहा है जबकि दुकानदारों का बिल्कुल नहीं किया गया जबकि लॉकडाउन में दुकानें बंद रही। ये सब बात सर पूरे देश में दंगे जैसी स्थिति है, चाहे वह खरगोन का मामला हो या करौली का मामला हो या अन्य जगह, लेकिन इसमें आप खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसे मामलों में कोई ट्वीट नहीं आता? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद दंगे फसाद कराने के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सर अभी अगले महीने कांग्रेस का एक बड़ा चिंतन शिविर राजस्थान में होने वाला है, उस चिंतन शिविर में क्या निकल कर आएगा? आज जो आने वाले 1 साल में फिर विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में और बीते 5 राज्यों में हमने हार का हल्का पीछे कांग्रेस पार्टी हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की जो नीति और कार्यक्रम है वे जनमुखी होना चाहिए और विशेष तौर पर अब जबकि समय देख रहे हैं कि जनता एक धार्मिक उन्माद के भाव में देख रही है, कैसे हम लोग उनसे चर्चा कर रहे हैं, रास्ता दिखाए प्रेम सद्भाव का, अहिंसा का, ये हमारा लक्ष्य। मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है और आने चूँकि शिवराज सिंह पर लंबा समय हो गया उनको लेकर एक अंतर विरोध भी सामने आ रहा है और उसका फायदा कांग्रेस ने उठा पट्टी और फिर बात यह है कि शासन कैसा चल रहा है। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मध्य प्रदेश के ऊपर केवल 20,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और ये पैसे कहाँ खर्च हुए? सड़कें की हालत खराब है, आ रही है, केंद्र सरकार के जो पैसा आ रहा है वो केवल उन सड़कों में ठीक है लेकिन जहाँ मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं वॉशिंगटन की सड़कें से बेहतर मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, आप ज़रा देख लीजिए क्या है। अब आप देख लीजिए इस मोहल्ले में ही दलितों का मोहल्ला है, गरीब का मोहल्ला है लेकिन यहाँ स्पर्शीकरण नहीं हुआ जबकि दूसरे मोहल्ले में हो चुके। एक महिला हमको मिली जिसका कि हमने पट्टे दिए थे उसको आज तक का कब्जा मिल जाने के बाद भी खेती नहीं कर सकते। ये सब बातें हैं कि गरीब आज गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कोविड में लोग बेरोजगार हो गए लेकिन अमीर और अमीर हो गए। यहाँ पर हमें शिकायत मिल रही है बड़े पैमाने पर जो कंट्रोल की दुकानें हैं उसमें कालाबाजारी हो रही है पूरे तरीके से इस देश में और प्रदेश में विशेषकर एक गैंग काम कर रही है जो कि लूट रही है।
आज पूरे पुराने जमाने में नीमच और मंदसौर में आरएसएस और जनसंघ का गढ़ रहा, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता थे जो साइकिलों पर चलकर चने खाकर और प्रचार करते थे, आज वो उनका परिवार सब घर बैठे और कौन भाजपा में आगे आगे ठेकेदार, रेत के ठेकेदार और कंट्रोल के ठेकेदार, इस तरह के लोग आज उन्होंने भाजपा में कब्जा कर लिया है और यही शिवराज सिंह जी की मामू गैंग है।